हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 16 मार्च का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, साथ ही कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी कराया जाएगा। क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। इस क्लास की PDF आप सभी को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार ने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में एक बाल बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा सहित 17 विभागों की 220 योजनाओं के लिए 57,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्विक रिवीजन। भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 112 में। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को अलग अलग कर दिया गया था? एक वर्त समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट का विलय कर दिया गया था? विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश और नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है तथा लोकसभा सीटों की संख्या है 29। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, तवा, ताप्ती, सिंध, केन, छिपरा, माही, पेनगंगा, पार्वती और वर्धा नदी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं काना किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा, पेच और कुनो नेशनल पार्क है। प्रमुख अभयारण्य हैं बोरी, राला मंडल, नोरा देही, रातापानी, गंगऊ तथा करेरा अभयारण्य। ये सभी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश राज्य में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत के पहले अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू केंद्रीय यूनिवर्सिटी में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। केंद्रीय यूनिवर्सिटी जम्मू में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इस केंद्र में एविएशन एंड एरोनॉटिक्स में बीटेक कोर्स करवाया जाएगा। केरल के बाद देश में अपनी तरह का यह दूसरा केंद्र है। आपको बता दें कि इस केंद्र का नामकरण इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 5 उद्घाटन लेटेस्ट करेंट अफेयर क्विक रिवीजन। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर आभासी रूप से एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुंबई के मालाबार हिल्स स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
राष्ट्रपति भवन में औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों के केंद्र का उद्घाटन किया, इसका नाम बताइए आरोग्य वनम। भारत की पहली जेब सुरक्षा स्थल थर्ड मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया नीदरलैंड में। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 मार्च को। इस दिन का उद्देश्य नदियों की अहमियत और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को नदियों के संरक्षण, नदी प्रबंधन, प्रदूषण और स्वच्छ और बहते पानी तक समान पहुंच के बारे में चर्चा करने और जागरूकता फैलाने के लिए एक साथ लाना है। इस वर्ष की थीम है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अब डिस्कस कर लेते हैं नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्विक रिविजन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना है पंजाब को। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी और बराक नदी है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिश्र की सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 9 पोर्टल यानी कि माई ईवी को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। माई ईवी पोर्टल की सहायता से ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को सरकारी मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक ई रिक्शा खरीदने वाले को 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देगी। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 5 पोर्टल लेटेस्ट करेंट अफेयर। भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। उत्तम 20 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। हमार आपन बजट पे पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन को, जिन्हें आप लोग पिक में देख सकते हैं। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा संस जल्द ही एयर इंडिया के लिए एक नए एमडी और सीईओ की घोषणा करेगा, जो इल्कर आईसी की जगह लेंगे, जिन्हें अगले महीने कारोबार ग्रहण करना था, लेकिन उनकी नियुक्ति के संबंध में विवादों के मद्देनज़र उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टाटा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। टाटा के संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा। टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष रतन टाटा है। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? जमशेदपुर में। असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है? रतन टाटा को। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? टाटा संस को। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजत पदक। इन्हें आप लोग पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर। भारतीय सटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 यानी कि पुरुष एकल में रजत पदक जीत लिया है। जर्मन ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे VWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं खेल से जुड़े लेटेस्ट करंट अफेयर प्रश्न। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को। भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में हाल ही में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का फाइनल जीता है? दबंग दिल्ली ने। सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को हराकर किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? बांग्लादेश महिला टीम ने। आगे डिस्कस करेंगे, हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जाम्बिया के राष्ट्रपति, जिन्हें आप लोग पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं जाम्बिया के बारे में। राजधानी लुसाका है, मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा। मैप में आप लोग जाम्बिया की लोकेशन देख सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को दो बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रंजीत रथ को, जिन्हें आप लोग पिक में देख सकते हैं। आपको बता दें कि वह वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में है जबकि इसकी स्थापना की गई थी 18 फरवरी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस समारोह के बारे में। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार का 75वां संस्करण जिसे बाफ्टा पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया। ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह 1955 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अमेरिका ने किस देश पर सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रसिया पर। डिस्कस कर लेते हैं रूस के बारे में। मैप में आप लोग रसिया की लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 मार्च को मनाया जाता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। आइए डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर।
भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलोर में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान यानी कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले वर्ष 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव ने 30 बॉल में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जीके डोज। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि कहां पर है? गुजरात राज्य में। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में यानी हीनयान और महायान में बट गया था? कनिष्क के शासनकाल में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देश का पहला चिकित्सा शहर यानी कि इंद्रायणी मेडी सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत और किस देश के बीच सोलर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? श्रीलंका के साथ। खतियान एवं मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना है चिली के। पंडरे थन मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जस्टिस विपिन सांघी किस हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के। साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव साहित्योत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में। आगे देखेंगे क्रिकेट विश्व कप के सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? मिताली राज। बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है? पांचवा। भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीरी कालीन की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो फ्रेंड्स याद रखना है जर्मनी को। 12 मार्च को डांडी मार्च को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? कुल 92 वर्ष। कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अश्वनी भाटिया को। किस राज्य सरकार ने महिला एट द रेट कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए लाला हरदयाल द्वारा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया था? तो इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।